इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेल के लैपटॉप्स के बारे में जो इस वक्त खरीदने लायक है, जो स्पेक्स वाइज प्राइस वाइज बेहतर हो सकता है, उन्हीं लैपटॉप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्राइस के हिसाब से मैंने सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप को सिलेक्ट किया हुआ है जो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त बाय करने लायक है, क्योंकि डेल ब्रांड ऑलरेडी महंगा होता है, लेकिन महंगा होने के बावजूद जो इसका प्राइस इस वक्त है, जो स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बाय करने लायक है, क्योंकि डेल जैसा ब्रांड भी आपको मिल रहा है। डेल पहले बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये भी अब सस्ता हो गया है। इसलिए जो लोग भी डेल लवर हैं, वो लोग डेल लेना चाहते हैं, तो डेल को बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके बजट में आ गया है। कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोज मैं लेकर आता रहता हूं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कौन कौन से मॉडल हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है डेल 14। बहुत ही थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। 14 इंच स्क्रीन के साथ में ये आता है। ये 12th जनरेशन का जो है लैपटॉप है, 12th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में ये है। ज्यादा ओल्ड हम लोग नहीं लेंगे, 12th जनरेशन से ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, तो ये फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाले हैं। ये i3 के साथ में है, i3 के हिसाब से आप हल्के में ना लें, क्योंकि 12th जनरेशन का i3 भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग करके हमें दे देता है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। अगर कोई पुराना आप लैपटॉप भले ही कोई सा भी आप चला रहे हैं और i3 का 12th जनरेशन जब आप चलाएंगे, जब आपके सामने होगा, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। i3 का 1215U प्रोसेसर के साथ में ये आने वाला है, और 8GB की रैम है इसके अंदर, 512GB की SSD लगी हुई है, और 14 इंच का फुल HD जो है इसके अंदर स्क्रीन आपको मिलने वाला है IPS पैनल के साथ में, इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। विंडोज 11 के साथ में ये आने वाला है, और मैकेफे 15 मंथ के जो है लाइसेंस के साथ में मिलने वाला है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। विंडोज 10 के अंदर भी कभी जरूरी नहीं था, और विंडोज 11 में भी जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के एंटीवायरस का, ये सब मार्केटिंग के फंडे हैं, आप इन सबके पचड़े में ना पड़े। वैसे ही बहुत ही सिक्योर है हमारा विंडोज 11, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्राइस बहुत ही लाजवाब है, 35,990 यानी कि 36,000 के अंदर अंदर आपको ये मिलने वाला है। एक बेहतरीन डेल का लैपटॉप जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, और ये 6 कोर का जो है प्रोसेसर है, इसलिए मल्टीटास्किंग में भी आपका फुल साथ देने वाला है, कहीं भी दबने वाला नहीं है। और मात्र 1.4 kg का इसका वेट है, जिसके वजह से बहुत ही लाइट वेट रहना है, और जो लोग भी हमेशा मार्केट में रहते हैं, आना जाना है, सफर में रहना है, उनके लिए लैपटॉप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। 3 साइड से इसका बेजल बहुत ही कम है, तो अगर बजट कम है 35,000 के आसपास में अगर लैपटॉप लेना चाहते हो भी डेल में, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो डेल के अंदर ही जिनको फुल साइज का लैपटॉप चाहिए वो डेल 15 मॉडल है, थिन एंड लाइट वेट है, यानी कि जो पिछला आपने देखा वो 14 इंच का स्क्रीन था, और ये फुल साइज का स्क्रीन है, 15.6 इंच का जो है ये स्क्रीन मिलेगा। बड़ा लैपटॉप जिनको चाहिए उनके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ही सिर्फ स्क्रीन ही अपग्रेड नहीं है, यहाँ पर 13th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, i3 का 1305U प्रोसेसर मिल रहा है आपको 13th जनरेशन का, जिसकी प्रोसेसिंग और भी बेहतर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 4.5 GHz तक काम करता है, बहुत अच्छा प्रोसेसिंग है इसका, इसके साथ में लैपटॉप बहुत ही आपको मजा आने वाला है। 8GB का DDR4 रैम है, 512GB की SSD लगी हुई है, 15.6 इंच का फुल HD जो है इसके अंदर स्क्रीन मिल रही है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, यानी कि गेमिंग्स का भी मजा आप ले सकते हैं, बहुत ही स्मूथ काम करने वाला है। 250 nits ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है, लेकिन ऑफिस पे या फिर घर के अंदर छाए में रहकर के आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। विंडोज 11 के साथ में है, MS Office 2021 के साथ में आने वाला है। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो SD 3.0 कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट कार्ड रीड कर सकते हैं, कैमरे वाला जो कार्ड होता है उसको रीड भी कर सकते हैं। USB 2.0 एक मिल रहा है, साथ में ही जो है RJ45 भी मिल रहा है, जो कि GB वाला है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो HDMI 1.4 मिल रहा है, और 3.2 Gen 1 का USB पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, USB टाइप सी इसके अंदर नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, नहीं तो और भी मजा आता। फिर भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत अच्छा है, 40,990 यानी 41,000 रुपए के अंदर ये मिल रहा है, तो आप अदर से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि डेल है, डेल ऑलरेडी महंगा होता है, तो इससे आप अदर किसी ब्रांड के स्पेसिफिकेशन के साथ में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी डेल महंगा मिलता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, वो है डेल 15 का ही i5 के अंदर, 12th जनरेशन का i5 है, जिनको i5 के साथ लेना है, ये मॉडल बहुत ही अच्छा हो सकता है। 12th जनरेशन के साथ में 1235U प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग है इसकी, 4.4 GHz तक जाता है, 10 कोर का प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग में बहुत ही ज्यादा आपका हेल्प करता है।
रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त जो है ये लैपटॉप रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो 12 जनरेशन का प्रोसेसर है वो अदर में चेक किया हुआ है, बहुत ही लाजवाब प्रोसेसर ये है। 8GB का रैम है, 512GB की SSD है, 15.6 इंच का फुल HD का डिस्प्ले है, बाकी सारी चीजें वही है जो पिछले मॉडल में आपने देखा, बस ये i5 का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, 3 साइड से बेजल लेस है और पोर्ट्स वही सारे के सारे हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉडल देखने में, डेल जैसा ब्रांड भी। और प्राइस की बात करें तो i5 12 जनरेशन के साथ में 46,990 यानी कि 47,000 के अंदर ये मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा डेल ने ये ऑफर किया हुआ है, आप बिल्कुल भी इसको बाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, तो वो है हमारे सिलेक्शन में i5 के अंदर ही 13 जनरेशन के साथ में, यानी कि ये भी फुल साइज का है, डेल 15 है, थिन एंड लाइट वेट है, 15.6 इंच का फुल HD स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसके वजह से बहुत ही स्मूथ काम करने वाला है। लेकिन इसके अंदर i5 13 जनरेशन है, 1334U प्रोसेसर लगा हुआ है, 13 जनरेशन का i5, 16GB रैम है, रैम का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, जिनको थोड़ी सी हैवी फाइल पे वर्क करना है उसके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। DDR4 का रैम है, 512GB की SSD है, 15.6 इंच का स्क्रीन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, साथ में विंडोज 11 के साथ में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के साथ में ये आ रहा है। 1.6 kg वेट है, बड़ा ही स्लिम और बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप रहने वाला है, डेल जैसा ब्रांड आपको मिल रहा है, 16GB रैम के साथ और 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में 56,990, जो कि बिल्कुल बर्थ कर रहा है, इस बजट में आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। डेल लेना ही है, अच्छी प्रोसेसिंग चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन चाहिए, कम बजट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मॉडल की बात करें उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है लेकिन अच्छा प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो इंटेल को छोड़कर के AMD में जा सकते हैं, क्योंकि AMD का राइजन 5 5500U प्रोसेसर के साथ में अभी फिलहाल जो इसका प्राइस है वो बहुत ही लाजवाब है। 8GB का DDR4 रैम है, 512GB SSD है, 15.6 इंच का फुल HD स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में बहुत ही स्मूथ काम करने वाला है, 250 nits ब्राइटनेस के साथ में मिलता है, विंडोज 11 है, एमएस ऑफिस 2021 भी है, 1.6 kg वेट है, प्राइस बहुत ही लाजवाब है, 36,990 इसका प्राइस है, जो कि मैं इसी स्पेसिफिकेशंस को पिछले 2 सालों से चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास HP का है और मैंने 48,000 का लिया था, आज ये बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर आ रहा है, और ये जो स्पेसिफिकेशन है आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कीजिए, चाहे आप गेमिंग कीजिए, बस रेंडरिंग में थोड़ा सा आपको देखना होगा। रीजन क्या है कि इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको रेंडरिंग में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। तो ये 5 लैपटॉप के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि ये मेरे तरफ से बिल्कुल भी सिलेक्टेड हैं, आप इनमें से कोई सा भी आप बाय कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा, डेल जैसा ब्रांड मिल रहा है और प्राइस वाइज बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका दिन शुभ हो।